अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी लैब होगी लोकेटर मैप के ऊपर। लोकेटर मैप और साथ ही साथ हम एक मैप का लेआउट व्यू कैसे बनाया जाता है। बेसिकली जो हमने जितनी भी पिछली लैब्स की हैं, अब हम हमारे पास जो हमारा फाइनल रिजल्ट है ना, वो सामने आ गया है। इसमें हमने एक जियोलॉजी मैप बनाया है एक पार्टिकुलर एरिया का। अब हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। अब मैप में आपने देखा होगा क्या क्या की पॉइंट्स होती हैं। जब भी अब पाकिस्तान का मैप देख लें, अब जियोलॉजी का मैप देख लें, टेक्टोनिक मैप देख लें, स्ट्रक्चर मैप देख लें, किसी भी किस्म का मैप हो, उसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो हमने कंपलसरी होती हैं ऐड करना, जिस तरह के नॉर्थ एरो, स्केल बार, ग्रिड्स मीन्स कोऑर्डिनेट्स, और साथ ही साथ लेजेंड्स के ये बताएं कि ये बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास लाइन फीचर है, ये कलर जो है, ये पॉलीगॉन जो है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे के सारे, या सैम्पल्स भी इसे शो कर सकते हैं। तो ये सारी अंदर स्टफ थिंग्स होंगी, तब भी जाके हमारे पास एक मैप जो होगा वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकेगा सही तरीके से। और साथ ही साथ एक लोकेटर मैप भी। बेसिकली लोकेटर मैप क्या होता है? लोकेटर मैप आपको, मैं ये इधर स्क्रीन पर नोट करें, मैं आपको इसका एंड रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखें बेसिकली लोकेटर मैप, ये देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारा पिछला जियोलॉजी का एरिया था। अब ये पाकिस्तान में या वर्ल्ड में किस लोकेशन पे लाई करता है, तो इस चीज़ को भी हमने मैप पे शो करवाना होता है। तो उसके लिए हम इसके अंदर एक लोकेटर मैप डालते हैं, जिस तरह की ये मैं बता रहा है कि ये जो बेसिकली इमेज है या ये जो एरिया है, ये पाकिस्तान के इस हिस्से में लाई करता है। तो इससे आपका एक एक आइडिया हो जाता है जियोग्राफी का, टोपोग्राफी का, एक मतलब अच्छे तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही साथ ये देखें नॉर्थ एरो, स्केल बार, ग्रेड्स। तो आज की लैब में हम ये करेंगे कि जो हमने पिछली लैब में जियोलॉजी का सारा किया था, उसको अब हमने फाइनल एक मैप की शक्ल देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लैब। ये आप देख सकते हैं क्या, यही हमारे पास सारी पिछली वाली शेप फाइल यहाँ पे ऐड है, डिफरेंट जियोलॉजीज़ की। एक ये रिवर की ऐड है। पहले तो आपने सबसे पहले क्लास ये करना है कि आपने इसके कलर कॉम्बिनेशंस को चेंज करना है। चेंज किस तरह करना है कि डिफरेंट हो हर किसी से। इस तरह अब तो देखें यहाँ पे तो सारे डिफरेंट ही हैं। सम टाइम ये होता है कि ये लाइट पिंक हो जाता है, ये डार्क पिंक हो जाता है। तो उससे फिर थोड़ा सा ना आप ट्राई करें कि ऐसे कलर कॉम्बिनेशन रखें जो डिफरेंट हो और इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें आप बाउंड्रीज को। अब जिस तरह इसको डबल क्लिक आपने किया, मैंने इसको, तो ये मेरे पास डिफरेंट कलर शो हो रहे हैं। कोई भी कलर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सेलेक्ट कर लें, कोई भी, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है। मैंने इस तरह ये सेलेक्ट कर लिया इसको, इसी तरह इस पर डबल क्लिक किया है तो ये आ गया, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अरे ये तो बिल्कुल उसी तरह का हो गया है। तो इसी तरह आपने ना इन सब का कलर जो है ना, वो आप डिफरेंट रखना है, एक जैसा ना हो, ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सेकंड, ये रिवर देख रहे हैं, रिवर की शेप फाइल, ये बिल्कुल मतलब बहुत बारीक है और ये इजीली इस यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो रही, इसको भी थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। इसीलिए ये आपने लाइन के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो देखें यहाँ पे सारी लाइन, बेसिकली लाइन शेप फाइल है ना, तो लाइन की यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी हैं। ये फ्रीवे रैंप है, ये टोल रोड है, इसी तरह ये मतलब हर किस्म की ना उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे एक हमारे पास सैम्पल बना के दिए हुए। अगर हम यहाँ पे जाए ना मज़ीद, तो हम यहाँ पे जियोलॉजी की भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो आपने बस सिंपल क्या करना है कि आपने इसको, ये इसकी विड्थ है, आपने इसको 1 से करके 2 कर देना है। और यहाँ से अगर आपका कलर डिफरेंट है तो आप इसको ब्लू ही रखें, ठीक है, ओके कर। अब देखें ये थोड़ा सा आपको ईजिली यहाँ पे रिकोगनाइज हो रहा है। तो आपने सबसे पहले तो ये काम कर लिया कि इसको, चले आपने एक शेप दे दी है कि डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन से, ताकि आप इजीली रिकग्नाइज कर सकें डिफरेंट जियोलॉजीज़ को, और रिवर पैटर्न को भी आप इजीली रिकग्नाइज कर सकें। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हम इसका लेआउट व्यू बनाएं, और लेआउट व्यू के साथ साथ इसमें एक लोकेटर मैप भी डालें। उसके लिए सबसे पहले आपने ये देख रहे नीचे यहाँ ऑप्शन में, यहाँ पे होता है लेआउट व्यू का, एक आपने लेआउट व्यू में जाना है, ठीक है। उसका एक और ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल होता है, आप इसी किसी एम्प्टी जगह पे यहाँ पे राइट क्लिक करें तो आपके पास इधर ये देखेंगे लेआउट व्यू, ये ऑलरेडी मेरे पास है, इसको दोबारा आप क्लिक कर लें, लेआउट व्यू ये आ गया लेआउट।
अब आपने क्लास इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि आपने इसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में रखना है। बेसिकली ये आपके आपकी अपनी उस पर अप्रोच पे होता है कि आप किस मोड में रखना चाहते हैं। अब ये देखें, ये मोस्टली मैं आई थिंक ये लैंडस्केप मोड में ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसके लिए ऑप्शन होता है यहाँ पे फाइल, फाइल के अंदर होता है पेज एंड प्रिंट सेटअप। इसके अंदर ये देखें, ये लैंडस्केप है, ये भी आपने कर देना है और इसको यहाँ से भी कर देना है और ओके कर देना है। तो आपके पास ये आ गया। अब आपने इसको ना ड्रैग, इस पर क्लिक करके ये इसकी इमेज को इस तरह ड्रैग कर देना है। कोशिश करें कि एजिस पे थोड़ा सा, ये जो देख रहे हैं ये जगह, ये थोड़ी जगह आपके पास लेफ्ट हो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपके कोऑर्डिनेट्स शो होंगे। और अगर इन केस ये आपका इमेज इधर है ना आपको यहाँ, तो आपने ये एक ऑप्शन होता है देखें पैन का, इस पर क्लिक करके इमेज को ड्रैग कर सकते हैं इधर। अब अगर आप दोबारा चाहते हैं कि यहाँ पे आपने इसको ड्रैग, इस फ्रेम को बेसिकली इनवर्ड या आउटवर्ड ड्रैग करना है, तो आपके पास वो देखें वो अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। उसके लिए ये दोबारा जाने के लिए ये ऑप्शन होता है सेलेक्ट एलिमेंट का, सेलेक्ट एलिमेंट पर जाएं, आपका फिर से कर्सर वो हो गया। आप इसको थोड़ा सा इधर कर लें, आई थिंक दिस इज इनफ। अब हम इसको करेंगे जूम इन एक पूरा दे। अब देखें अभी भी स्टिल देखें, यहाँ भी थोड़ी सी गैप है और यहाँ भी गैप है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। अब तकरीबन एडजस्ट हो गया। अब इसको हम यहाँ से दोबारा ड्रैग करेंगे इस कॉर्नर पे। अब देखें, अब अगला हमारे पास जो स्टेप है ना, आपने इसको बेसिकली, हमारे पास डिफरेंट साइज़ के मैप्स होते हैं, A3, A4, आर्किटेक्चरल साइड के साइज़ के मैप्स वगैरह, वो सारे हमारे पास, ये मैं आपको लेआउट व्यू का बताया था ना ऑप्शन, ये बेसिकली इसके अंदर अवेलेबल है। फिर आपको फिर दिखा देता हूँ मैं एक दफ़ा आपकी आसानी के लिए। आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ये लेआउट, तो आपके सामने ये वाला टैब ओपन आ जाएगा। तो उसके लिए फिर आपने, लेट मी चेक, चेंज लेआउट, चेंज लेआउट व्यू का ऑप्शन होता है, उस पर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास ये डिफरेंट साइज आ गए हैं, लैंडस्केप में रखना है, पोर्ट्रेट में रखना है, या किस में भी रखना है, ये डिफरेंट साइज आ गए हैं। ये आपने कोई भी नॉर्मली आइडियल, हमने इसको इसी में रखना है, लैंडस्केप 9 9 × 20 इंच, ये साइज़ इनफ है हमारे लिए एक छोटे पेज के लिए। बाकी अगर आपने इसको डिफरेंट साइज़ में करना है तो वो भी आ जाएगा, जिस तरह ये देख लें, ये है 36 × 48। तो ये बिग मैप, बिग साइज़ के मैप्स वगैरह के लिए जब आपने प्रिंट लेना हो तो आप ये साइज़ का अपना इसको सिलेक्ट करते हैं। तो हम इसको यही सिलेक्ट करेंगे फ़िलहाल, 9 × 12 और लैंडस्केप मोड में। तो आपने इसको फिनिश कर देना है। और क्लास आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि जब ये स्टेप आप सबसे पहले परफॉर्म करें, क्योंकि अगर आपने एक बार इसका सारा लेआउट बना लिया, मींस कि यहाँ पे आपने ग्रिड्स लगा दिए, नॉर्थ एरो लगा दिया, स्केल बार लगा दिया, तो बाद में आप इसका साइज़ चेंज करेंगे ना, तो वो जितनी भी आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड की होगी वो रिमूव हो जाएगी, तो आपको काम दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आप पेज का साइज़ कौन सा रखना है, ये सबसे पहले आप एक दफ़ा इसे डिसाइड कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट रैंडम जो सिलेक्ट होता है वो 9 × 12 ही होता है। ये अगर आपने ज़्यादा साइज़ बढ़ाना हो खुद से, तो वो उसके लिए फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। चलें, हमारा पेज साइज़ भी डिफ़ाइन हो गया है, इसकी बाउंड्रीज़ भी डिफ़ाइन हो गई हैं। थोड़ा सा हम इसको और ड्रैग यहाँ कर लेते हैं और यहाँ से इसको थोड़ी सी और जगह बना लेते हैं, लोकेटर मैप, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इस जगह पे हमने लोकेटर मैप भी ऐड करना है, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। चलें, अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं लोकेटर मैप को। लोकेटर मैप के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में डेटा फ्रेम, आपने इस पे क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम ले जाएगा ये। चलिए देखिए, ये एक डाटा फ्रेम हमारे पास ऐड हो गया। बेसिकली जो ये आपके सामने ऑप्शन है ना आ रहा है ना लेयर्स का, इस ये भी एक डाटा फ्रेम है, ये देख रहे हैं, ये बाउंड्री, कर्सर की तरफ गौर करें, ये एक डाटा फ्रेम है। इस डाटा फ्रेम के अंदर ये सारी की सारी शेप फाइल्स ऐड है। हमने इस डाटा फ्रेम के अंदर एक और यहाँ पे एक डाटा फ्रेम इंसर्ट कर दिया है। अब इसके अंदर हम अपना लोकेटर मैप को इंसर्ट करेंगे। ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये सम टाइम ये माउस कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है, तो इस चीज़ को आप ज़रा काइंडली नोटिस में लाइएगा। अच्छा चलें, अब हम इसके अंदर ना ऐड करेंगे डाटा। आपने इस पर क्लिक करके ना इस पर क्लिक करना है,
ताकि जो भी आप इंसर्ट करेंगे वो इसी के अंदर आए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये डाटा होगा ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा लैब से पहले, तो आपके पास होगा डाटा। आपके पास दो शेप फाइल्स होंगी, एक पाकिस्तान की शेप फाइल होगी और एक ये वाटरशेड जो कि ऑलरेडी आपके पास है। तो पहले हम ये वाली शेप फाइल ऐड कर देते हैं, पाक ADM1 ऐड। देखें ये हमारे पास आ गया। अब हम जाएंगे दोबारा ऐड शेप फाइल और वाटरशेड पॉलीगॉन, ये भी फाइल ऐड होगी। देख रहे हैं ये बिल्कुल स्मॉल सा यहाँ पे ये ऐड हो गया, बेसिकली इसकी ये लोकेशन यही बनती है। इन केस अगर सम टाइम आपका साथ ये मसला आ जाए कि ये इधर अवॉइड होने के बजाय ये माउस की तरफ गौर करें, आपका ये वाटर शेड और पाक ADM इस डाटा फ्रेम में ऐड होने के बजाय इस डाटा फ्रेम में ऐड हो जाती है, तो उसके लिए भी फिर चलें आपके पास एक और हल है कि आप सिंपल इसको एग्ज़ाम्पल आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये कॉपी का ऑप्शन है, ये पेस्ट लेयर। तो चलें अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास सामने आ जाती है कि आपके पास जो है ना वो इधर वाटर शेड जो है वो यहाँ पे आ गया है, इस जगह पे नहीं है, तो कुछ उसके कुछ मसला नहीं, आप सिंपल यहाँ पे से कॉपी करें और इस जगह पे पेस्ट कर दें और यहाँ से इसको रिमूव कर दें। तो ये भी एक सिंपल हैक है। अक्सर लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा, वो इस डेटा फ्रेम में ऐड नहीं हो रहा। आपने अगर इस पे क्लिक किया हुआ है ना, देख रहे हैं इस पे क्लिक, तो जो भी आप ऐड करेंगे वो इस डेटा फ्रेम में होगी। आपने इस पे क्लिक किया हुआ तो जो भी आप ऐड करेंगे वो इस डेटा फ्रेम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है कि आपने इसकी बाउंड्रीज़ का बड़ा बेहतरीन ख्याल रखना है। ये बेसिकली आपकी अपनी माइंड पे होता है, आपकी अपनी डिज़ाइन पे होता है। मैप GIS में सिर्फ और सिर्फ आप एनालिसिस तो नहीं करें ना, आपने इसको रिप्रेजेंट भी करना है। तो रिप्रेजेंट आप जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतना ही मतलब अच्छा लगता है अगले अगले देखने वाले को भी कि किस काम जो है वो अच्छा होया हुआ है। अब ये मैप हमारा इस तरह है कि हमारा लोकेटर मैप यहाँ भी एडजस्ट हो रहा है। लोकेटर मैप बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, आप नेट पर चेक कर सकते हैं, लोकेटर मैप की एग्जांपल देख सकते हैं किस तरह लोगों ने लोकेटर मैप, आपको एक लोकेटर मैप की एग्जांपल मैंने बिल्कुल इस लैब के स्टार्ट में भी दिखाई थी कि सिंपल एक लाइन से उन्होंने शो करवा दिया था इसको एरिया को। अब चलें आगे स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें कि इन दोनों के कलर बिल्कुल सेम है, तो ये हम चेंज कर लेते हैं। पहले तो हम इसका वाटर शेड को हम पिंक दे देते हैं, तो देखें वो बिल्कुल जो है ना यहाँ पे डिफरेंट हो गया हमारे पास। अब हम ऐड करते हैं इसके अंदर नॉर्थ एरो स्केल बार और लेजेंड्स। सब उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया इधर, क्योंकि मैंने जो भी ऐड करना है वो इस डेटा फ्रेम के अंदर ऐड करना है। तो इंसर्ट में जाएं, इसके अंदर ये आ जाएगा हमारे पास ये नॉर्थ एरो। नॉर्थ एरो में चले गए, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन के नॉर्थ एरो तो आ गए। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये वाला मोस्टली ज़रा कॉमन है, ज़रा डिसेंट भी लगता है। आप कोई भी, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ये आपके पास नॉर्थ एरो आ गया। इसको थोड़ा सा हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और इसकी जगह आई थिंक ये मोस्ट सूटेबल है, तो हमने नॉर्थ एरो ऐड कर दिया। अब अगर क्लास, ये तो बेसिकली इसके पीछे बैकग्राउंड जो है ना वो वाइट है, तो हमें इसके पीछे कोई इशू नहीं बन रहा है। इसकी समटाइम ये होता है कि इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई टोपोग्राफी, कोई वैली, माउंटेनियस टेरेन वगैरह टाइप किस्म का शो हो रहा होता है, तो ये नॉर्थ एरो जो होता है वो ऑलमोस्ट मतलब नज़र ही नहीं आता कलर की वजह से। तो इसका एक तरीका होता है कि इसका हम पीछे ना एक बैकग्राउंड कलर डाल दिया जाता है। वो भी कैसे डालते हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आपने लैब में भी ये करना है। आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये देखें ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। आपने फ्रेम में जाना है, बॉर्डर, पहले बॉर्डर हम कौन सा रखें, तो कोई भी रख सकते हैं, आई थिंक 1.5 इज़ इनफ। फिर ये पूछता है आपने बॉर्डर में गैप कितना रखना है, इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दें। बैकग्राउंड कलर आपने कौन सा रखना है, तो आप इधर से इसको आप ये ग्रीन कर दें और ओके। तो वो देखें एक आपके आपके इस कलर पीछे आ गया, इससे आपके पास ये विजिबल ज़्यादा हो जाता है। हमें तो अभी ज़रूरत नहीं है इस कलर की, लेकिन वैसे इन केस आपको मैं ज़रूरत हो तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करें। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं हमें, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने डबल क्लिक किया तो यहाँ से गए हैं, तो इसको हमने कर दिया नन। अब क्लास ये देखें, ये मैं आपको बताता हूँ ये गैप बेसिकली है क्या। ये आप देख रहे हैं बॉर्डर, ये नॉर्थ के एन और इसके साथ बिल्कुल साथ करके लगा हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि अगर आपने इसमें गैप रखना है तो कितना रखना है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, मैं इसको 3 कर लेता हूँ, 3 और ओके। तो देखें वो थोड़ा सा ना एक्सपेंड कर गया है।
तो जो आपने इस लैब में करना है वो आपने यही करना है कि आपने इसका कलर जो है वो नहीं रखना, और इसके जो गैप है वो 3 रखना है, और जो इसका बॉर्डर है वो 1.5 रखना है। ठीक है, चलें नॉर्थ एरो। और इसका साइज़ भी आपने ज़रा ख्याल रखना है, बस ये भी नहीं कि आपने इतना बड़ा इसको नॉर्थ एरो लगा दिया या आपने इतना सा लगा दिया। ये बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल आइडियल साइज़ है, इतना, इससे ज़्यादा छोटा भी नहीं और इससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं आपने नॉर्थ एरो का सैम्पल लगाना। चलें अब इसके बाद इंसर्ट में जाएँ, दोबारा जाते हैं हम, यहाँ पर हम ऐड करते हैं स्केल बार। स्केल बार डिफरेंट हमारे पास आ गए हैं, मोस्ट कॉमन यही वाले चलते हैं, ये दो कोई भी सिलेक्ट कर लें, इस पे गए, ओके, ये हमारे पास आ गया स्केल बार। अब ये स्केल बार आप गौर करें तो ये माइल्स में शो हो रहा है यहाँ पे, और स्केल बार का भी एक इसी तरह ही होता है कि आपने एक इसको ख़ास लेंथ का रखना होता है, ये नहीं कि आप इसको इतना बड़ा स्केल बार रख दें, इसको यहाँ आप इतना इसको छोटा कर दें, इसका एक नॉर्मल साइज़ होता है। देखें ये बिल्कुल, आई थिंक ये बेसिक 26 में शो हो रहा है, इसको पूरे फिगर में ले आते हैं 30, ये बिल्कुल आइडियल साइज़ है। तो चलें इसकी भी हम चेंज करते हैं, सबसे पहले तो ये माइल्स में, हमने माइल्स में नहीं, हमने इसे किलोमीटर में लेके आना है, तो इस पर आपने डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास डिवीज़न आ जाता है किस यूनिट में करना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे किलोमीटर्स। फिर ये कह रहा है लेबल, जिस तरह यहाँ पे देख रहे हैं ये माइल्स MILES शो हो रहा है, हमने यहाँ पे इसको किलोमीटर इतना बड़ा हमने नहीं लिखते, हम सिर्फ और सिर्फ के एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी साथ ही चलें पहले ये देख लेते हैं होता क्या है, ये देखें ये हमारे पास किलोमीटर में आ गया है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है इसमें, आई थिंक इतना ही काफ़ी है। तो इस पर डबल क्लिक किया दोबारा, अब हम इस पर बॉर्डर ऐड करेंगे, उसके लिए हमारे पास होता है फ्रेम बॉर्डर 1.5, गैप हमारे पास 3, यहाँ से भी 3, और ओके, तो ये हमारे पास आ गया स्केल बार। अब हमने ऐड करना है लेजेंड्स, बेसिकली लेजेंड्स को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, अगेन आपने इसको रीनेम करना है, आपने जिस तरह ये पिंक है, येलो है, वाइट है, ग्रीन है, जियो 10 है, ब्राउन है, ये आपके पास 7 शेप फाइल्स थी ना, हर शेप फाइल के अंदर एक जियोलॉजी थी, जिस तरह MPZM MS इस तरह करके जियोलॉजी के शॉर्ट जियोलॉजीज या जो वहाँ पे लिथोलॉजीज या फॉर्मेशन थी उनके शॉर्ट करके नेम लिखे हुए थे, तो आपने सिंपल इनको पहले रीनेम करना है। ये पिंक है, लेट सपोज इसको अगर आपने रीनेम करना है तो आपने सिर्फ सिंपल इस पर एक दफ़ा क्लिक कर देना है, इस नेम के ऊपर जाके क्लिक करना है एक दफ़ा, तो आपके पास ये शो हो जाएगा, तो आपने इसका रीनेम कर देना है, इस तरह जो भी आप जियोलॉजी थी आपको आपने नोट कर लेना है MPZM। इसको रीनेम करने का एक और भी तरीका होता है, वो येलो वाले को हम कर लेते हैं, आपने इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, तो जनरल ये देख रहे हैं लेयर नेम, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको मैं सैंड स्टोन रख देता हूँ। अब इस क्लास इस चीज़ का अपने इसमें कोई इशू नहीं है, आप बेशक यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, जितना मर्जी लेंथी नेम हो वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन कोशिश करें इसका नाम जितना आइट छोटा हो, जितना आइडल हो उतना अच्छा है, क्योंकि हमने मैप में उतना शो भी तो करवाना है। अब इसका ये अगर पूरे पूरे पैराग्राफ लिख देंगे तो वो मैप पे इतनी जगह नहीं होगी, तो इसको मैंने ये नाम दे दिया। अब ये आपने क्लास ख्याल रखना है कि आपने जियोलॉजी के नेम वही लिखना है जो आपने वहाँ पे शो करवाया है, ये तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे कोई भी जियोलॉजी लिख रहा हूँ, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने ये सारी जियोलॉजीज को रीनेम कर देना है, ठीक है, और ये रिवर रिवर है तो इसको आपने चेंज कर देना है स्टोर रिवर, बेसिकली ये स्टोर रिवर है इसलिए मैंने इसको ये नाम दे दिया, आपने बस जियोलॉजिस्ट को यहाँ पे नाम देना है और स्टोर रिवर लिख देना है इसको। फिर आपने जाना है इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे लेजेंड आ गया, आप देख रहे हैं ये हमारे पास ना होता है, ये बेसिकली हमारे पास जितनी भी लेयर्स ऐड है ना ये वो शो हो रही हैं और ये इस तरह भी शो हो रही हैं, आपने अगर कोई लेयर रिमूव करनी, ये बेसिकली ये जो है ना ये बॉक्स, इसके अंदर वो वाली लेयर शो हो रही हैं जो लेजेंड्स में आएंगी और इसके अंदर टोटल शो हो रही हैं। पहले तो मैं देख ये स्टोरी पर भी शो करवाना है, MPZM भी शो करवाना है, सैंडस्टोन, वाइट, ग्रीन, जियो, ब्राउन, ब्लू, तो ये हमारे पास सारी की सारी आ गई हैं, तो ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मिस हो और यहाँ से आपने इसको ऐड करवाना हो तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद आपने ये कर देना है, तो वो जो भी लेयर होगी वो यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ आपने यहाँ से रिमूव करनी है जो आप अपनी उसमें बेसिकली लेजेंड में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, तो आप इस पर यही सिमिलरली इस पर क्लिक करें,
और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें तो वो चीज़ जो लेयर होगी वो यहाँ से इधर रिमूव हो इधर आ जाएगी और फिर वो आपके लेजेंड्स में शो नहीं होगी। तो चलें ये जो लेयर है इस पर हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट ये बॉर्डर आपसे इधर पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, ये इधर भी पूछ, अगर आप यहाँ से स्किप हो जाए तो आप बाद में भी कर सकते हैं। चलें हम इसको बाद में ही करते हैं। नेक्स्ट फिनिश, तो ये हमारे पास इधर बेसिकली लेजेंड्स आ गया। अब देखें ये क्लास थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आपने इसको इधर ले आना है और इसके बाद इसको इधर करके हम इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ी सी ज़रा क्लियर हो जाए। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे फ्रेम में, बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ से हमने इसको 1.5 कर दिया, यहाँ से इसको 3 कर दिया, इधर से भी इसको हमने 3 कर दिया और ओके कर दिया। अब देखें जो नेम बेसिक, और एक और क्लास आपने ख्याल रखना है, आपने जो लेयर इस लेजेंड में शो करवानी है वो यहाँ पे चेक्ड भी हो, अगर यहाँ पे चेक्ड नहीं होगी तो वो इधर इधर शो ही नहीं होगी, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, तो देखें ये हमारे पास मैप एक शो हो गया। अब अगला जो हमने इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, हम साथ ही साथ लोकेटर मैप में भी ऐड कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैंने लोकेटर मैप पे क्लिक किया, इंसर्ट नॉर्थ एरो ये वाला, ओके। अब ये लोकेटर मैप में हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे स्केल बार भी आपने इसी तरह लोकेटर मैप में एक ऐड कर देना है, इंसर्ट स्केल बार। ये देखें ये अब जो हमारे पास बेसिकली आ रहा है ना, ये लोकेटर मैप का 1200 माइल्स, बेसिकली आप देख सकते हैं ये पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 1200 माइल का शो रहा है। इसको हम ना स्केल बार को ना ज़रा थोड़ा सा ना शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी रूम यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो इस पर आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास ये देख रहे हैं नंबर ऑफ डिवीजन, आपने इसको 2 कर देना है, सॉरी 2, अब 1 भी कर सकते हैं अगर जगह फिर भी ना बने, किलोमीटर्स के एम, ओके। और यहाँ से इसको ड्रैग कर लेते हैं, आई थिंक अभी भी स्पेस कम है, पहले तो थोड़ा सा इसके पास यहाँ पे रूम है, हम इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लेते हैं। ये मैंने क्लिक किया और इसको मैंने इधर ड्रैग कर लिया, तो देखें अब थोड़ी सी जगह बन गई है। देखें ड्रैग करने के लिए मैंने ये सिलेक्ट किया है, अब दोबारा मैंने उस कर्सर को लाने के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, सिलेक्ट एलिमेंट इस पे किया, इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, अभी भी आई थिंक जगह कम है। देखें वो बिल्कुल आपस में न फिगर्स जो है ना मिक्स हो गए हैं, तो इस पर डबल क्लिक करके इसको यूनिट को हम इधर 1 ही कर देते हैं और मज़ीद, तो आप देखें अब इसमें सिर्फ 2 आ गए डिवीजन, तो तकरीबन ये बेहतर है। तो चलें अब अगला हमारे पास स्टेप है कि हमने इसके अंदर ना ग्रिड्स ऐड करनी है। उसके लिए हमारे पास कि हमने लेयर्स पे ये लेयर जो है इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और उसके बाद ये ग्रिड्स हैं, आपने यहाँ से ग्रिड्स के बाद न्यू ग्रिड, नेक्स्ट 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 फिनिश एंड ओके। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स एक देखें क्लास, ये कोऑर्डिनेट्स तब आते हैं किसी इमेज के ऊपर जब वो ऑलरेडी जियो रेफरेंस्ड हो, अगर आपकी इमेज जियो रेफरेंस्ड नहीं है ना तो ये कोऑर्डिनेट्स एक्यूरेट नहीं होंगे, या समटाइम वो एरर दे देता है कि आपके ये कोऑर्डिनेट्स असाइंड ही नहीं है, इस वजह से ये शो नहीं होता। अब ये देखें इसके अंदर जो है ये कोऑर्डिनेट्स जो है ये अपनी मर्जी के उसने कितने इंटरवल के बाद शो करवाए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसको प्रॉपर एक वे में शो करवाएं, किस तरह के, ये हमने यहाँ पे इधर बेसिकली ये 5 कोऑर्डिनेट शो नहीं करवाने, हमने यहाँ पे सिर्फ 3 शो करवाने हैं, और यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो उसके लिए आपने क्या करना है, लेयर की प्रॉपर्टीज़ में दोबारा जाना है, ये जो ग्रिड्स बेसिकली हमने ऐड किया ना उसकी यहाँ से प्रॉपर्टीज़, और इधर ये इंटरवल का ऑप्शन, पहले तो हम सबसे पहले इसका ना ये देखें ना इसका साइज़ भी इंक्रीज़ करते हैं, ये बहुत ही मतलब बारीक लिखा रहा है, नज़र ही नहीं आ रहा। उसके लिए आपने क्या करना है, लेबल्स में जाना है, यहाँ से इसका साइज़ को हम 12 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो पूछ रहा है लेबल एक्सिस टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, कहने का मकसद है इसका लेबल का कि आपने किस जगह पे कोऑर्डिनेट्स को शो करवाना है। ज़रूरी हम अगर हमने इसको टॉप पे और लेफ्ट पे शो करवा दिए या बॉटम या लेफ्ट पे शो करवा दिए या बॉटम या राइट पे, तो वो एक ही बात है, हमें चारों तरफ कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक टॉप पे हो और एक साइड पे हो,
या मतलब टॉप पे हो या बॉटम पे हो, या लेफ्ट या राइट पे हो, इन दोनों में से किसी एक जगह पे भी हो तो कोऑर्डिनेट चल जाते हैं। एग्जांपल आपको मैं एक दे देता हूँ कि हमने टॉप और लेफ्ट पे रखते हैं, बॉटम पे नहीं, तो ये ओके कर दिया। तो ये देखें, इस जगह से कोऑर्डिनेट्स अब स्किप हो गए हैं, सिर्फ इस जगह पे और इस जगह पे शो हो रहे हैं, तो इससे भी हो जाता है। लेकिन हम इसको चारों तरफ ही करवाएंगे इसके अंदर। तो दोबारा प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, प्रॉपर्टीज़, वो लेबल का ऑप्शन सामने आ गया, तो इसको यहाँ पे और इधर। अब ये देखें क्लास कि ये जो है ना, ये फ्रेम से बाहर जा रहा है कोऑर्डिनेट, तो इसको क्यों ना हम वर्टिकल वर्टिकल कर दें हॉरिजॉन्टल के बजाय। तो लेफ्ट और राइट को ना ये बेसिकली मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया है। इसका रिजल्ट आपको बाद में दिखाऊंगा। ये आगे आता है लाइंस। अब हमने ये लाइंस को शो नहीं करवाना अपने अंदर इसको, तो हम कहेंगे डू नॉट शो लाइंस। अब ये पूछता है इंटरवल। अब ये सारी गेम इंटरवल की है कि आपने कितने इंटरवल के बाद मैप को शो करवाना है। अब ये देखें, ये हमारे पास दो आ रहे हैं, ये आता है डिग्री, ये मिनट और ये सेकेंड्स का। अब आपके पास जितना बड़े साइज का मैप होगा, आपको उतना ही ज़्यादा इंटरवल रखेंगे तो आपके पास वो मतलब आपके पास ज़्यादा शो हो जाएंगे। अगर आपके पास एक छोटा है, एक इमेज है, एक सिटी की है, एक टाउन की है, तो उसके अंदर तो आप अगर इंटरवल ज़्यादा रख देंगे तो वो शो ही नहीं होगा। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इस तरह ये 1 है, मैं इसको इधर 10 कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, तो वो आपने गौर करना है अभी कि वो देखें गायब हो गया। बेसिकली वो ये है कि वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने अब 10 डिग्री के बाद शो होंगे, और जो ये मैप का एरिया है वो 1 डिग्री से भी कम है। तो दोबारा हम यहाँ पे चेक करते हैं, लेयर की प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ और इंटरवल। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से 0, मैं कहता हूँ हमने जो डिग्रीज़ हैं वो 0 ही नहीं देते हैं, हम इसको मिनट के बाद चेंज करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको 10 कर देता हूँ। ये आपने थोड़ा सा प्ले करके इसको देखना है कि बेसिकली ये कैसे होता है। अब देखें ये कितने ज़्यादा कोऑर्डिनेट शो हो गए हैं। इसको मैं कहता हूँ नहीं, हम मज़ीद हमने यहाँ पे 3 ही शो करवाने हैं। दोबारा प्रॉपर्टीज़ में गया हूँ, मैं इसको 10 के बजाय 3 कर देता हूँ, वाई को भी 3 कर देता हूँ, तो सॉरी ज़्यादा कर उल्टा हो गया मेरे से। प्रॉपर्टीज़ तो इसको मैं कर देता हूँ 25। ओके ओके, तो देखें काफ़ी हद तक ये हमारे ये तो बेहतर हो गए हैं। वाई एक्सिस पे हमने ज़रा इसको दोबारा से करना है, वाई एक्सिस पे बेसिकली काफ़ी कम हो गए हैं, तो हम इसका इंटरवल थोड़ा कम कर देते हैं, 15 कर देते हैं। ओके ठीक है, आई थिंक बेहतर है। 4 यहाँ पे हो गए, 3 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हो गए, थोड़ा सा ना ज़रा इसकी लुक अच्छी लग रही है। लेकिन एक चीज़ अभी भी कमी है, इसका जो ग्रिड्स का साइज़ है ये काफ़ी अभी भी स्मॉल है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं दोबारा, इधर प्रॉपर्टीज़ में लेबल में गए, ये 12 के बजाय इसको हम कर देते हैं 14 में। ओके एंड ओके, तो अब देखें अब कुछ क्लियर है। सिमिलरली क्लास, अब इसके भी हम ऐसी कोऑर्डिनेट्स ऐड करेंगे, लेकिन इसमें इंटरवल जो होगा ना वो हम ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि अगर इसमें अगर इंटरवल हमने कम रखा तो वो फिर ये बिल्कुल यहाँ पे इतने ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे कि मैप की कोई सेंस ही नहीं बनेगी। तो अब देखते हैं इसको हम, सॉरी इसके लिए मैं गया हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली, क्योंकि डाटा फ्रेम तो ये है ना, न्यू ग्रिड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में गया हूँ, इसको लेबल एक्सिस। अब ये पूछ रहा है, अब हमने ना इस जगह पे हम लेबल नहीं करना चाहते, क्योंकि इस जगह पे तो जगह ही नहीं है, तो मैं कहता हूँ मैं टॉप पे नहीं रखना चाहता और मैं लेफ़्ट साइड पे नहीं रखना चाहता। साइज़ का 16 देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह अभी भी हमारे पास कम है, और लाइंस में हमने शो नहीं करवाना। इंटरवल जो है वो हम 5 के बजाय 10 कर देते हैं, इसको भी हम 10 कर देते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ओके अभी भी काफ़ी कम है, इसको 5 ही ठीक था आई थिंक। ये थोड़ा सा आपने इसका प्ले करना होता है, थोड़ा सा आप इसके साथ कि कैसे, अब मैंने इंटरवल कम कर दिया है तो वो ज़्यादा शो होंगे। अगर यहाँ पे मैं एक्स और वाई को 0 कर दूंगा तो फिर मैं मिनट्स और सेकंड को चेंज करूंगा, वो और इंटरवल छोटा हो जाएगा। तो 5 पे करके देखते हैं, हाँ अब बेहतर है। लेकिन एक मसला ये देख रहे, ये बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसको साइज़ बढ़ाते हैं। लेकिन उसके लिए इसको थोड़ा सा ना हमें नीचे करना पड़ेगा ड्रैग करके, और इसको थोड़ा सा इस तरह हम ऊपर कर लेते हैं, तो इसका अब हम साइज़ जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, लेबल के अंदर 6 के बजाय इसको हम 10 कर देते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। आई थिंक कुछ बेहतर रिज़ल्ट है।
तो देखें इस तरह करके ये इसकी, और एक और चीज़ आई मिस, हम देखें ये इसको ना हम कर देते हैं उस तरह, और वर्टिकल सॉरी, प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ और लाइन सॉरी वर्टिकल राइट ओके। तो देखें ये वर्टिकल हो गया। तो देखें ये कोई भी एक हमारे पास मैप तैयार हो गया है। देखें इसमें कोई आपके पास रूल ऑफ थम नहीं होता कि आपने ऐसे ही करना है तो आपका मैप अच्छा लगेगा। ये सारी की सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे अपने मैप को प्रेजेंट करना चाहते हैं और कैसे उसको एक अच्छी शेप देना चाहते हैं। तो ये आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा वो अच्छा लगे, ज़्यादा बेहतरीन लगे, उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली अब देखें ये लोकेटर मैप भी हमने ऐड कर दिया। लोकेटर मैप का भी नॉर्थ लास्ट सॉरी, मैं आपको एक और बताना भूल गया हूँ, हमने इसके अंदर कॉल आउट्स भी ऐड करने हैं। कॉल आउट का क्या मतलब होता है दिखाता हूँ कि मैं, अपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ये मैं पहले इसको बंद कर लूँ, ये ड्रॉ का एक ऑप्शन होगा, ड्रॉ इस पर आपने क्लिक करना है तो ये ड्रॉ का ऑप्शन आ गया है। अब इसमें ये देखनी है ये टेक्स्ट का ऑप्शन, इसके अंदर आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉल आउट का ऑप्शन आ रहा है। इस पे आपने क्लिक करके सबसे पहले तो आपने पहला पॉइंट वहाँ पे लगाना है जिस जिस जगह को हमने लेबल करना है, हमने इस रिवर को लेबल करना है। तो आपने इस पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो देखें ये हमारे पास आ गया कॉल आउट। अब इसके अंदर आपने टेक्स्ट ऐड कर दें, तो मैं करता हूँ अस्तोर रिवर, ये ऐड हो गया। अब इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं इधर, ये देखें ये बेसिकली कॉल आउट, आपको आप समझ लगे कि कॉल आउट का मकसद क्या है। लेकिन ये साइज़ में थोड़ा कम है, इसको बढ़ा देते हैं। इस पर डबल क्लिक करें तो चेंज सैम्बल, यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा के हम कर देते हैं 14 ओके। तो स्टोर रिवर यहाँ पे अब शो हो रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ इनफ। अब इसको हम सेव करते हैं फाइल, यहाँ से हम गए एक्सपोर्ट मैप में, डेस्कटॉप, ये रेजोल्यूशन आप 200 रख लें, 300 रख लें, आई थिंक 300 इज़ इनफ, 300 ही ठीक है। सेव, तो ये हमारे पास आप आ जाएगा ये। अगर आप इसको पीडीएफ में सेव करना चाहें तो पीडीएफ में कर सकते हैं, ये देखें आपके पास मैप कितना बेहतरीन शो हो रहा है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये जियोलॉजी शो हो रही है, ये स्केल बार शो हो रहा है, ग्रिड्स भी आ गई हैं, लोकेटर मैप भी आ गया है। तो आपने इस लैब के अंदर बेसिकली यही करना है, आपकी नीटनेस के मार्क्स होंगे, कैसे आपने परफॉर्म किया, कैसे इम्प्लीमेंट किया उसके मार्क्स होंगे। ट्राई करें।